और आज जब मैं घर से निकला सुबह को इस मैदान में आने के लिए, मजगौन में जहां मैं रहता हूं बहुत जोर से बारिश हुई, जोरों से बारिश थी। मैं बोला ये अल्लाह की मर्जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं यहां पहुंचा, यहां सड़कें एकदम सूखी थी। फिर मुझे यह पता लगा कि तकरीबन अक्सर बॉम्बे के इलाकों में बारिश हो रही थी, लेकिन इस सुमाया ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह यहां बारिश नहीं हो रही थी। यह अल्लाह की तरफ से एक मौजजा है। इससे पता चलता हम कितने कमजोर हैं, और अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखा रहा है। एक किलोमीटर दूर यहां बारिश हो रही थी और यहां अल्हम्दुलिल्लाह धूप थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द। इसीलिए हमें जो ये कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन अक्सर बाहर होता है बड़े मैदान में, लेकिन कल की बारिश की वजह से यहां रखनी पड़ा। इंशाल्लाह कल से शाम का प्रोग्राम इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह खुले मैदान में होगा। और मैं वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जिहाद किया, जिद्दोजहद मेहनत, इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला आपको इसका अजर देंगे। और मेरे तकरीर खत्म करने से पहले फिर से मैं और एक बार मेरे उलमा इकराम जो इतने दूर से आए, हजारों किलोमीटर दूर से, कई हिंदुस्तान के शहरों से सफर किया हजारों किलोमीटर, और कई उलमा इकराम हिंदुस्तान के बाहर से आए, सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, नेपाल से, शारजा से, अल्लाह सुबहाना व ताला इनको इंशाल्लाह इसका अजर देगा। और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह इस नाजीस हमेशा इस नाचीज की सपोर्ट करते रहे तो क्या मैं मुझे भी इसका सवाब मिले। और इंशाल्लाह हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला का जो पैगाम है सारे दुनिया तक पहुंचाए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह खैर डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब। मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज पहुंचे, मैं चिरागे रह गुजर हूं मुझे शौक से जलाओ। मोहतरम ख्वातिनों हजरात, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कि आपने पूरे सब्र तहम्मुल के साथ हमारे उलमाए किराम की कीमती बातें समाअत फरमाई। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा 10 दिनों तक हमारे इन उलमाए किराम और दानिशवरान की बातें सुनते रहेंगे। हमारा जो कल का प्रोग्राम है वो इंतहाई अहम है, आप नोट कर लें। हमारा जो सुबह का प्रोग्राम होगा उसमें दो तकरीरें होंगी। पहली तकरीर होगी मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब की, आपका उनवान होगा इस्लाम ही तमाम मसाइल का हल है। और दूसरी तकरीर होगी मौलाना अबू जफर हसन नदवी साहब की, उनवान होगा इस्लाम दावत और फितरत। जोहर के बाद जो दूसरी नशिस्त होगी उसमें भी दो तकरीरें होंगी। पहली तकरीर शेख मोहम्मद अशफाक सलफी साहब की होगी, उनवान है वस्तियत एतदाल पसंदी और अहले सुन्नत वल जमात। दूसरी तकरीर होगी समाज में अखलाक नबी कैसे आए, मुकर्रर होंगे मौलाना गुलाम मुस्तानवी साहब। और मगरिब के बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का होगा, उनवान है आलमी भाईचारा।